तो लीजिए, मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ सिंपल एंड एवरीडे आई मेकअप लुक। बहुत आसान तरीका है ये लुक क्रिएट करने का, तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने ये कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैं अपनी आई को यहाँ प्राइम करूँगी। ये थोड़ा सा मैसी हो जाता है, तो आपको ना थोड़ा ध्यान रख के करना है। मैंने जल्दीबाजी में अपनी आज यहाँ पे अपनी थ्रेडिंग भी नहीं कराई हुई है, आईब्रोज भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रखे हैं हेयर्स, तो कोई बात नहीं। चलिए फिर मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का ये ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, और मैंने यहाँ ऑरेंज कलर को अपनी क्रीज लाइन में लगाया है। थोड़ा जब तक कलर ना आया तब तक उसको ब्लेंड करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। फिर उसके बाद मैंने लिया है यहाँ ऑरेंज कलर का ये शिमर आई शेडो पैलेट से, और मैं इसको आई लिड पर अप्लाई करूँगी। ये मैं फिंगर की हेल्प से ही करूँगी, क्योंकि आप ब्रश अगर यूज़ करोगे तो वो पूरा ब्रश पे ही रह जाता है, इसलिए मैं फिंगर ही प्रेफर करती हूँ। फिर मैं लगाऊंगी यहाँ पे इनर कॉर्नर में ये हाइलाइटर शेड का मैंने यहाँ पे लिया, जिससे मैं अपनी ब्रोबोन को हाईलाइट करती हूँ, और इसको मैं लगाऊंगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से, क्योंकि फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी तो वो पूरा अंदर तक ही पूरा स्प्रेड हो जाएगा, और दोनों को मर्ज कर दूंगी। फिर मैं ये लगाऊंगी यहाँ पे ब्राउन कलर का काजल। मैंने यहाँ पे काजल प्रेफर किया है, क्योंकि आईलाइनर अगर आप लगाएंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने ये लुक पहले भी ट्राई किया था, तो यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ एक्चुअली। फिर मैं इसको ब्राउन कलर से मर्ज कर दूंगी इसके अंदर, और फिर लूंगी मैं छोटा ब्लेंडिंग ब्रश, और यहाँ पे ऑरेंज कलर को मैं अच्छे से स्मज कर दूंगी, और फिर लगाऊंगी मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का मैंने ब्राउन काजल लिया है। यही काजल मैंने अपनी आई लिड के ऊपर लगाया है लाइनर की जगह। ये अच्छा लगा मुझे, इसका जो कोट है वो बहुत अच्छे से लगता है आपकी वाटर लाइन में। फिर लगाया मैंने मस्कारा, और हाँ जी ये हुआ मेरा आई लुक कंप्लीट। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।